आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। पहला है आइडियल फ्लूइड, दूसरा है रियल, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। सबसे पहले देखते हैं आइडियल फ्लूइड होता क्या है। आइडियल फ्लूइड ए फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड इज़ हैविंग नो विस्कोसिटी इज़ नोन एज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड है जिसमें जो इनकम्प्रेसिबल होता है और जिसमें विस्कोसिटी नहीं होता है, जीरो होता है। उसके बाद आता है हमारे पास रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड वह फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी भी रहेगा और जो एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड अभी हम लोग पढ़े थे, न्यूटोनियन फ्लूइड या विस्कोसिटी पढ़े थे। इसमें क्या होता है, सीयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं म्यू। म्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, ए रियल फ्लूइड इन विच सीयर स्ट्रेस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द सीयर स्ट्रेन। इसमें जो सीयर स्ट्रेस है नॉट प्रोपोर्शनल टू होता है सीयर स्ट्रेन के। अभी आगे ग्राफ आएगा उसमें बताऊंगा कैसे प्रोपोर्शनल नहीं होता है। उसके बाद आता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ए फ्लूइड इन विच सीयर स्ट्रेस इज़ मोर देन द यील्ड वैल्यू। मोर देन किसके, यील्ड वैल्यू, एंड सीयर स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन इज़ कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। सीयर स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसमें अब देखो ग्राफ दिख रहा है किसके किसके पीछे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। पिछले लेक्चर में देखे थे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, और ये है सीयर स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या है, आइडियल फ्लूइड में क्या पढ़े थे हम लोग, जो इनकम्प्रेसिबल होता है और जिसका विस्कोसिटी क्या होता है, जीरो। जिसमें विस्कोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़े थे जिसमें रेट ऑफ, जिसमें क्या रहता है, सीयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, मतलब डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, डी यू बाई डी वाई, ये पढ़े थे हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड में। उसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या पढ़े थे, ए रियल फ्लूइड इज इन विच सीयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सीयर स्ट्रेन। इसमें जो सीयर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल टू नहीं रहेगा, जो प्रोपोर्शनल टू नहीं रहेगा सीयर स्ट्रेन के, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी में नहीं रहेगा। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या रहेगा, जिसमें सीयर स्ट्रेस का कुछ वैल्यू रहेगा और सीयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू कितना इसके रहेगा, रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन के। मेरे ख्याल से ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं लेकिन हमको इतना ही पढ़ना है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।